चुकंदर से बना यह हलवा जो भी एक बार खाएंगे वह इस हलवे का स्वाद भुलाए ही नहीं भूल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज टेस्टी भोजन में। तो चुकंदर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बड़ा सा ताजा चुकंदर लिए हैं। तो अब सबसे पहले इस चुकंदर का हम छिलका हटा लेंगे। यह चुकंदर वजन में लगभग 500 ग्राम है। चुकंदर को छीलने के बाद इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट ले रहे हैं। अब इस चुकंदर को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो चुकंदर को हम कद्दूकस कर लिए हैं। अब यहाँ चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें शुद्ध देसी घी डालेंगे। अब यहाँ पर हम काजू लिए हैं, इसे हल्का भून लेंगे। तो देखिए काजू हल्का सुनहरा भून गए हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसी घी में कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालेंगे। अब इसे मध्यम आंच पर 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। 5-6 मिनट भूनने के बाद अब इसमें दूध डालेंगे। तो ये हम 1/2 लीटर दूध लिए हैं, इसे मिलाएंगे। अब इसे ढककर धीमी से मध्यम आंच के बीच 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में इसे 1-2 बार चलाते रहेंगे। चुकंदर में जो पानी था वह लगभग सूख गया है। अब इसमें चीनी डालेंगे। तो ये हम 50 ग्राम चीनी लिए हैं। आप अपने मीठा के अनुसार चीनी कम या ज्यादा डाल सकते हैं। चीनी मिलाने के बाद इसमें हम भुना हुआ काजू डाल देंगे, थोड़ा सा किशमिश भी डालेंगे। अभी इसे थोड़ा और पकाएंगे ताकि इसमें जो हल्का पानी का अंश दिख रहा है वह पूरी तरह से सूख जाए। तो हलवे में जो पानी का अंश था वह बिल्कुल सूख चुका है। अब इसमें हम कुटी हुई हरी इलायची पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हलवा बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब गैस बंद करके इसे चूल्हे पर से नीचे उतार लेंगे। अब इसे हम खाने के लिए एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट चुकंदर का हलवा बनकर तैयार है। तो आप लोग भी इस तरीके से घर पर चुकंदर का हलवा जरूर बनाइएगा। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।